केंद्र सरकार की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया है। आतंकवाद से पीड़ित वो बच्चे, यानी कि आतंकवादी घटनाओं के दौरान जो बच्चे अपने माँ बाप को खो चुके हैं, उनके लिए ये एक बड़ा कदम केंद्र सरकार की तरफ से उठाया गया है। ये बड़ा कदम क्या है? MBBS और BDS की सीट में अब उन्हें कोटा मिलेगा, यानी कि MBBS और BDS की बात करें तो अब उन्हें सीट में कोटा मिलेगा। ये बड़ा कदम केंद्र सरकार की तरफ से उठाया गया है। इससे पहले की सरकार की बात करें तो ऐसा कोई भी कदम जो है वो उनकी तरफ से नहीं उठाया गया था। और वहीं पर जिस तरीके से गृह मंत्रालय ने ये फैसला सुनाने के बाद, उसके बाद आपको बताते चले कि JKBOPE की तरफ से एक नोटिफिकेशन, एक ऑर्डर जो है वो जारी किया गया है, यानी कि JNK बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तरफ से एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया है, जिस पर साफ तौर पर ये लिखा गया है कि अब आतंकवाद से पीड़ित वो बच्चे, यानी कि जो अपने माँ बाप जो है वो आतंकवादी घटनाओं के दौरान खो चुके हैं, उनके लिए ये कोटा जो है वो दिया जाएगा। MBBS और BDS की बात करें तो अब उन्हें जो है इनमें कोटा मिलेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या कुछ रहेंगी। सबसे पहले आपको बताते चले कि परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ द स्टेट यूटी कंसर्न, द इम्प्लॉयज ऑफ द स्टेट यूटी गवर्नमेंट कंसर्न, द इम्प्लॉयज ऑफ सेंट्रल अदर स्टेट यूटी गवर्नमेंट ऑफ डेपुटेशन ऑफ द स्टेट यूटी कंसर्न एंड चौथी द इम्प्लॉयज ऑफ सेंट्रल अदर स्टेट यूटी गवर्नमेंट पोस्टेड इन एंड हैविंग देयर हेडक्वार्टर्स विद द स्टेट यूटी कंसर्न विल बी एलिजिबल। ये कंडीशंस जो है वो रखी गई है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रायोरिटी की, यानी कि तीन प्रायोरिटी जो है, यानी कि तीन प्रायोरिटी की बात करें तो उन बच्चों के लिए जो है वो तीन प्रायोरिटी जो है वो दी गई है। अब वो कौन कौन से बच्चे रहेंगे? जिस तरीके से मैंने पहले कहा कि आतंकवाद घटनाओं के दौरान जो बच्चे अपने माँ बाप को खो चुके हैं, उनके लिए उन्हें ये कोटा जो है वो मिलेगा। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि जो, यानी कि जिस घर में इनकम ऑफ सोर्स यानी कि कमाने वाला सिर्फ एक ही था, उन्हें भी ये बेनिफिट जो है, ये कोटा जो है MBBS और BDS सीट्स में मिलेगा। यानी कि उन बच्चों को जो घर में सिर्फ एक ही कमाने वाला था और जो आगे उनके बच्चे हैं, उन्हें ये बेनिफिट जो है वो मिलेगा। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि आतंकवादी घटनाओं के दौरान जो डिसेबिलिटी हो गए हैं, यानी कि उन्हें कोई भी डिसेबिलिटी, यानी कि उन्हें डिसेबिलिटी हो गई है, उसके चलते ये जो है इन बच्चों को भी, उनके जो आगे बच्चे हैं उन्हें भी ये कोटा जो है, ये बेनिफिट जो है मिलेगा। यानी कि तीन प्रायोरिटी जो है वो दी गई है साफ तौर पर, मैं आपसे साझा कर चुकी हूँ। अब हम बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें क्या कुछ रखी गई है? जिस तरीके से मैं बात कर चुकी हूँ MBBS और BDS की, तो साफ तौर पर जाहिर से पता चलता है कि मेडिकल प्रेफरेंस जो है वो होती है। और वहीं पर आपको बताते चले कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इंग्लिश, यानी कि ये सब्जेक्ट्स होना ज़रूरी है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि इन, यानी कि आप जब ये सब्जेक्ट जो है वो पास करते हैं तो उसके चलते आपको 50% मार्क्स जो है वो होना नेसेसरी है। साथ ही साथ 40% जो है वो 80 के लिए रखा गया है, 80 के लिए रखा गया है और OSC के लिए रखा गया है। 45% जो है वो जनरल PWD कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए रखा गया है और 40% जो है, यानी कि 40% जो है वो SC ST OBC और PW कैंडिडेट्स के लिए रखा गया है। ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है ये रखी गई है। नोटिफिकेशन जो है वो JKBOPE की तरफ से जारी किया गया है, जिस पर साफ तौर पर ये बताया गया है कि कंडीशंस क्या कुछ रहेंगी, यानी कि एलिजिबल कंडीशंस क्या कुछ रहेंगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या कुछ रहेगी और प्रायोरिटी किन किन बच्चों को मिलेगी, साफ तौर पर ये बताया गया है। और इससे पहले की बात करें तो इससे पहले सरकार सिर्फ आतंकवादियों के, यानी कि आतंकवादी घटनाओं के दौरान जो बच्चे अपने माँ बाप खो चुके हैं, डिसेबिलिटी जो हो चुके हैं उनके बच्चों की बात करें, या फिर जो कमाने वाला घर में सिर्फ कमाने वाला इनकम ऑफ सोर्स जो है वो एक ही था, उन्हें सिर्फ पहले स्कॉलरशिप दी जाती थी, बाकी
पिछली सरकार की बात करें तो सिर्फ उन्हें स्कॉलरशिप दी जाती थी, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से ये बड़ा कदम जो है वो उठाया गया है, यानी कि अब MBBS और BTS में उन्हें कोटा जो है, सीट्स में उन्हें कोटा जो है वो देखने को मिलेगा। उन्हें ये एक बड़ा कदम जो कि केंद्र सरकार की तरफ से उठाया गया है, जिस तरीके से गृह मंत्रालय की तरफ से ये फैसला जो है वो सुनाया गया, और उसी के चलते JKBOP की तरफ से यानी कि JNK बोर्ड की बात करें तो आप प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो उनकी तरफ से ये ऑर्डर जो है वो निकाला गया है, जिस पर साफ तौर पर ये बताया गया है कि आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या कुछ रहेगी, और वही प्रायोरिटी की बात करें तो प्रायोरिटी जो है वो किन किन बच्चों को मिलेगी, और जिस तरीके से मैंने कहा कि SC ST OBC PWD और जनरल PWD कैटेगरी के कितने प्रतिशत जो है वो उन्हें मिलेगा वो साफ तौर पर हम आपसे साझा कर चुके हैं, और फिर आपको बताते चले जाते जाते आपको फिर बताते चले कि ये बड़ा फैसला जो है केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया है कि अब MBBS और BDS सीट्स में यानी कि उन्हें कोटा जो है मिलेगा, यानी कि उन बच्चों को जो अपने आतंकवादी घटनाओं के दौरान जो अब बच्चे अपने माँ बाप जो है वो खो चुके हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा कदम जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से उठाया गया है। नई जानकारी के लिए बने रहे, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।